आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा के चुनावी नतीजे आ चुके हैं। पांचवें से चार राज्यों में बीजेपी ने वापसी कर ली है। पंजाब में आम आदमी पार्टी को जीत मिली है। इन पांचों चुनावी राज्यों में कई सीटें ऐसी हैं जहां हार जीत का अंतर सैकड़ा भी पार नहीं कर पाया। कहीं आखिरी राउंड तक प्रत्याशियों की सांस अटकी रही। जानते हैं पांचों राज्यों की 25 सबसे करीबी जीत कौन सी है। यूपी समेत चार राज्यों में भगवा का भौकाल। कोई उम्मीदवार 50 वोट से हारा, कोई 276 वोट से। कई सीटों पर सबसे कम रहा हार जीत का अंतर। पंजाब की 5 सीटों पर हार जीत का अंतर 1500 से कम। चार राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भाजपा के हाथ गुलाल तो सपा, बसपा और कांग्रेस के हाथ मलाल लगा है। वहीं कुछ ऐसी सीटें रहीं जहां प्रत्याशियों की सांस अटकी हुई थी। जहां उत्तर प्रदेश में 15 सीटें ऐसी हैं जहां हार जीत का अंतर 1000 वोटों से भी कम का है। इनमें से 8 सीटों पर बीजेपी, 6 पर सपा और 1 पर निषाद पार्टी की जीत हुई। कौशाम्बी की सिराथू विधानसभा सीट से लड़ाई बेहद ही दिलचस्प रही। यहां से यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को हार का सामना करना पड़ा। सिराथू विधानसभा सीट पर कई बार केशव की बढ़त ने भाजपा के चेहरे खिला दिए, लेकिन वो आखिर में 7,337 वोटों से हार गए। धामपुर में बीजेपी प्रत्याशी महज 203 मार्जिन से जीते। कुर्सी विधानसभा सीट से सकेंद्र प्रताप 217 वोटों से जीत दर्ज कर पाए। चांदपुर से स्वामी ओमवेश से सपा उम्मीदवार 234 मार्जिन से जीते। नेहतौर ओम कुमार बीजेपी कैंडिडेट 258 वोटों से जीते, जबकि शाहगंज से रमेश निषाद पार्टी से महज 719 वोटों से जीते। वहीं पंजाब की लड़ाई भी बेहद दिलचस्प रही। पंजाब में सिर्फ 5 सीटें ही ऐसी हैं जहां हार जीत का अंतर 1500 वोटों से कम रहा है। इनमें से भी 2 सीटों पर 1000 से भी कम वोटों के अंतर से हार जीत हुई। जालंधर सेंट्रल से आप प्रत्याशी रमन अरोड़ा ने महज 247 वोट से जीत दर्ज की। डेरा बाबा नायक से कांग्रेस उम्मीदवार सुखजिंदर सिंह रंधावा 466 मार्जिन से जीते। वहीं दीनानगर से अरुणा चौधरी कांग्रेस प्रत्याशी ने 1131 वोटों से जीत हासिल की। साथ ही गिद्दरबाह से अमरिंदर सिंह राजा वॉरिंग कांग्रेस प्रत्याशी ने 1349 वोट जीते। उत्तराखंड में 5 सीटों पर हार जीत का अंतर 1000 वोटों से भी कम रहा। अल्मोड़ा से कांग्रेस के मनोज तिवारी मात्र 127 वोटों से जीते हैं। द्वारा घाट से कांग्रेस उम्मीदवार कांटे की टक्कर में सिर्फ 127 वोटों से जीते। वहीं श्रीनगर से बीजेपी के डॉक्टर धन सिंह रावत 587 मार्जिन से जीत दर्ज कर पाए, जबकि मंगलौर से बसपा प्रत्याशी करीम अंसारी 598 वोटों से जीते। जबकि बात करी जाए टिहरी विधानसभा की, बीजेपी कैंडिडेट किशोर उपाध्याय ने 951 वोटों से जीत दर्ज की। बात करी जाए गोवा की, तो गोवा में 10 सीटें ऐसी हैं जहां हार जीत का अंतर 1000 वोटों से कम है। इनमें से 6 सीटों पर अंतर 500 से भी कम रहा। सेंट ऑन्ड्रीज से आरजीपी के वीरेश मुकेश बोरकर सिर्फ 76 वोटों से जीते हैं। कोंडा से रवि नाइक बीजेपी प्रत्याशी ने 77 वोटों से जीत दर्ज की। वेलिम से आप कैंडिडेट क्रूज सिल्वा ने 169 वोटों से जीत दर्ज की। वहीं बात करी जाए प्रियोल विधानसभा सीट से गोविंद शेपू गौड़े बीजेपी उम्मीदवार ने 213 वोटों से जीत हासिल की। जबकि गोवा की बिचोलिम सीट से निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी ने 318 मार्जिन से जीत दर्ज की।
बता दें कि उत्तर प्रदेश में भले ही प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, लेकिन उसके उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत 11 मंत्री चुनाव हार गए। यूपी में बीजेपी ने 255 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि उसके गठबंधन सहयोगी अपना दल सोनेलाल को 12 और निषाद पार्टी को 6 सीटें मिली। इसके अलावा गन्ना मंत्री सुरेश राणा शामली जिले की थाना भवन सीट पर रालोद के अशरफ अली खान से 10,000 से अधिक मतों से हार गए। ग्रामीण विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह प्रतापगढ़ की पट्टी सीट पर समाजवादी पार्टी के राम सिंह से 22,051 मतों से हार गए। वहीं तो जहां अंतर कहीं पे बहुत ज्यादा रहा, तो वहीं कुछ बड़े चेहरे कुछ कम अंतरों से भी हारे हैं। बीजेपी को जीत भले ही मिली हो, लेकिन इस बार सपा ने कांटे की टक्कर दी है। प्राइम टीवी के लिए आरती तिवारी की रिपोर्ट। पिछली बार जो चुनाव हुए थे उसमें योगी मोदी लहर देखने को मिली थी, एक तरफा चुनाव हुआ था, लेकिन इस बार टक्कर देखने को मिली, जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला है। कई प्रत्याशी ऐसे रहे हैं जिन्होंने जबरदस्त टक्कर दी और बहुत कम अंतर से जीत और हार का निर्णय हुआ है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।